गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जब भी बात होती है कि आपको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कहां से मिलेगा, प्रोटीन किन चीजों में है जो हमें हेल्प करेगा और हमारे प्रोटीन को इंटेक को बढ़ाएगा। आज मैं बात करूंगा उन 5 डेलीशियस चीजों की जो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं, जो आपको हाई प्रोटीन दे के चलते हैं, तो आज इनके बारे में बात करूंगा मैं। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि आपके ओवरऑल जो हेल्थ है वो इस पर डिपेंडेंट है कि आपका प्रोटीन का इंटेक कैसा है। जो प्रोटीन है ये लार्ज कैटेगरी आप आमिन मॉलिक्यूल है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, सेल्स को सपोर्ट देते हैं। जो प्रोटीन है ये इम्यून फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ओवरऑल जो बॉडी का मूवमेंट है, जो मसल्स चलाते हैं, उसके लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार है। जो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे हमारी बॉडी में होते हैं वो वास्तव में प्रोटीन के चलते होते हैं, एंड जो हार्मोन की सिंथेसिस है वो भी प्रोटीन के चलते ही होती है। जो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन में वो कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। तो टोटल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 20 होते हैं, इनमें से 11 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर कर सकती है और 9 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, और जो 9 नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती उनको कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये हमें अपनी डाइट से ही लेने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। नाउ अगर हम फैट को ध्यान से देखें कि आपको रोज कितना प्रोटीन चाहिए, एक क्वेश्चन आता है कि मैं कितना प्रोटीन खाऊं, इस पर डिपेंडेंट है कि आपकी बॉडी की साइज क्या है या आपकी हाइट वेट कितना है। इस पर डिपेंडेंट है कि आपका एक्टिविटी का लेवल कितना है, आप सीडेंटरी हैं कि आप एथलीट हैं, आप रोज दौड़ते हैं, आपकी एज कितनी है, आप यंग चिल्ड्रन हैं या आपकी एल्डरली एज है। इस पर भी डिपेंडेंट है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स बेसिकली डिटरमाइंड कि आपका जो प्रोटीन का इंटेक है वो कैसा होना चाहिए। लेकिन ऑन एन एवरेज जो प्रोटीन है 0.8 ग्राम्स पर केजी से कम किसी का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपका एक्टिविटी का लेवल ज्यादा है, अगर आपकी एज ज्यादा है, एल्डरली है, अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं एंड आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो आपका जो प्रोटीन का इंटेक है साइंटिफिकली ऊपर की तरफ होना चाहिए। माना जाता है कि इन सब सिचुएशंस ये जो प्रोटीन का इंटेक है 1.2 से 2 ग्राम पर केजी तक किया जा सकता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। ना जो हम अलग अलग चीजों की बात करते हैं जो आपको प्रोटीन देते हैं इन अ नॉन वेजिटेरियन सेटिंग, उसको ध्यान से देखिए। नाउ एग्स आर नंबर 1, शायद ये दुनिया के सबसे न्यूट्रिशियस फूड्स हैं जो हमें अवेलेबल हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, दे आर इजी टू एब्जॉर्ब, दे आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिंस, मिनरल्स एंड हेल्दी फैट्स, और इनमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जो एक व्हाइट की जब हम बात करते हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब हम होल एग की बात करते हैं जिसमें योग भी होता है तो उसमें बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमें हेल्प करके चलते हैं। और जो एक पहले इस तरह की बात होती है कि योग के चलते कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो बहुत सारे रिसर्च ने इस चीज को बिल्कुल रिफ्यूट किया कि नो, दिस आइडिया इज एब्सोल्युटली नॉट देयर, एंड आप अगर योग इस्तेमाल करते हैं इन मॉडरेशन तो आपको कोई कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसलिए होल एग इज ऑलवेज बेटर देन एग व्हाइट जब आप एग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अंडा लेते हैं तो एक जो आपका लार्ज एग है वो आपको 6.3 ग्राम ऑफ प्रोटीन देता है, तो आपको 6 से ज्यादा ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एक अंडे से। द सेकंड वन इज द चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट इन एक्सेलेंट चॉइस। अगर हम ध्यान से देखें कि इन एडिशन टू प्रोटीन जो चिकन ब्रेस्ट अगर आप यूज लेते हैं या चिकन आप यूज करते हैं तो आपको विटामिन B12 मिलेगा, आपको मिनरल्स मिलेंगे एज जिंक एंड सेलेनियम, एंड जहां तक चिकन ब्रेस्ट या चिकन का सवाल है, इट्स वेरी वर्सेटाइल। ये इजी टू कुक है, आसानी से पकाया जा सकता है, घर में आप जो है इसको आसानी से पकाइए। इसका टेस्ट डेलिशियस है, यानी टेस्ट बहुत अच्छा है। इन वास्तव में बहुत वैरायटीज आप जो डिशेज हैं उसमें इसको यूज किया जा सकता है। अगर आप हाफ चिकन ब्रेस्ट यूज करते हैं इसकी साइज आएगी अप्रोक्सीमेटली 86 ग्राम्स। साइंटिफिकली अगर आप हाफ चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो इसमें आपको
26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 26 grams, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 26 ग्राम इज ए वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट. नाउ नेक्स्ट वन इज द लीन मीट. ये जब लीन मीट की हम बात करते हैं, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये बात बिल्कुल सही है. जो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन, जिंक, सेलेनियम एंड विटामिन B12 इज वेरी हाई जब हम लीन मीट की बात करते हैं. लेकिन रेड मीट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये हेल्दी डाइट का हिस्सा तो है, लेकिन इसके अमाउंट आपको देखनी पड़ेगी, इसको हमेशा मॉडरेट इंटेक लेना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर हाई अमाउंट ऑफ रेड मीट लेते हैं तो ये हेल्थ की रिस्क को थोड़ा सा एनहांस करता है, पर्टिकुलरली कोलन कैंसर. तो इसलिए जब भी आप लीन मीट लेते हैं या रेड मीट लेते हैं तो उसके अमाउंट को आपको मॉडरेट करने की जरूरत है. लेकिन यह बात सही है कि अगर आप 3 ounce यानी अप्रोक्सीमेटली 85 grams ऑफ रेड मीट इस्तेमाल करते हैं तो आपको टोटल प्रोटीन मिलता है 24 grams, वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट. द नेक्स्ट वन इज द फिश. अगर हम फिश को देखें तो फिश इज एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसके अलावा उसमें बहुत से दूसरे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, जैसे विटामिंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं. एंड साइंटिफिकली एक स्टडी ने या बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा कहा कि ऑल दोस पीपल जो रेगुलरली अगर फिश को कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी डिजीज की जो इंसिडेंस है या बहुत सारे जो डिजीज का रिस्क है वो वास्तव में कम हो जाता है. चाहे हम हार्ट डिजीज की बात करें, चाहे हम डायबिटीज की बात करें, इनका जो इंसिडेंस है, रिस्क है, वो नीचे की तरफ आता है अगर आप फिश को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं. एंड आई मीन टॉप ऑफ दैट कि अगर आप सलमन इस्तेमाल करते हैं या हेरिंग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो ओमेगा 3 की जो अमाउंट है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, जो आपकी हार्ट की हेल्थ और आपकी ब्रेन की हेल्थ दोनों को बहुत सिग्निफिकेंटली हेल्प करके चलती है. वैसे तो सभी की सभी जो फिश हैं दे आर हाई इन प्रोटीन. जो अगर हम सैल्मन फिश की बात करें तो 124 ग्राम्स ऑफ सैल्मन फिश, जिसको हाफ फिलेट कहा जाता है, इसमें 30 ग्राम प्रोटीन होता है, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट. दैट मींस 124 ग्राम्स ऑफ सैल्मन विल कंटेन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. Now the next one is the milk. Milk को मैंने deliberately इसमें शामिल किया है because बहुत सारे vegan जो diets हैं उसमें milk वास्तव में इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि milk वास्तव में vegan diet का हिस्सा नहीं है. तो अगर आपको lactose intolerance नहीं है तो milk is a ready source of protein. Actually, milk कुछ ऐसी चीज है जिसमें virtually all nutrients होते हैं जो आपकी body को चाहिए. ये protein का अच्छा source है, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, इन बाकी विटामिंस का भी ये अच्छा सोर्स है. ऑन एन एवरेज अगर आप एक पाव दूध पीते हैं, दैट इज 250 ml ऑफ मिल्क, ये वास्तव में 8.3 ग्राम प्रोटीन लेके चलता है. तो एक पाव आपने दूध पिया तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट उतना ही प्रोटीन मिल जाता है जो लगभग एक अंडे में मिलता है. तो मिल्क इज एन एक्सेलेंट सोर्स. तो जहां तक नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का सवाल है, इसके दो एस्पेक्ट है. नंबर वन, ये सब के सब कंप्लीट प्रोटीन है. कंप्लीट प्रोटीन है इसका मतलब इनमें वो जो 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो सब में मौजूद है. इनके टेस्ट जो है ना, दे आर डेलिशियस. तो आप अंडे इस्तेमाल करिए, ये आपको हेल्प करेगा. आप चिकन इस्तेमाल करिए, ये आपको हेल्प करेगा. ये फिश इस्तेमाल करिए, ये आपको हेल्प करेगा. आप रेड मीट इस्तेमाल करिए, ये आपको हेल्प करेगा. एंड मिल्क जो है इज रेडीमेड सोर्स, इसे आप इस्तेमाल करिए तो आपको एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, इंक्लूडिंग ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो ठीक मात्रा में मिलेगी. तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको इन 5 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे आपको एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन, एडिक्वेट अमाउंट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड कंप्लीट प्रोटीन मिले, सो दैट आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स, आपके हॉर्मोन्स, आपके एंजाइम्स ऑप्टिमाइज होकर ठीक काम कर पाए. अगर प्रोटीन के इन सोर्सेस को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें. मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर. थैंक यू वेरी मच.